अभी लास्ट में है ये मिर्ची की। अब मिर्ची खाएगा चिकू। नींबू की बारी। अभी नींबू की बारी है। रिएक्शन देखना अभी। अभी है ना मैं और पापा जा रहे हैं मोर सुपरमार्केट में, क्यों कुछ है ना सामान वगैरह लाना है, सो वो लेके आएंगे। चलो सुचिकू के अन्नप्राशन के लिए ना हमें कुछ सामान लाना है, इसीलिए मैं और पापा जा रहे हैं सुपरमार्केट। सो ये देखो आ गया मोर सुपरमार्केट है, चलो पापा आओ। वैसे है ना हमारे पुराने वाले घर से है ना ये वाला मोर सुपरमार्केट बहुत पास में था, लेकिन है ना हमारे नए वाले घर से ना भी बहुत दूर पड़ गया है। अब बताओ पापा हमें क्या क्या लेना है। शहद, हनी। सबसे पहले है ना हनी खिलाते, हनी बेबी को। ये लो ये लो। चलो न्यूट्रिला ले लेते हैं। पार्ले जी गोल्ड, अच्छा बताना पार्ले जी गोल्ड किस किस को पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है। तो ये मैं ले रही हूँ मम्मी के लिए डाइट वाले बिस्किट, मैं भी कभी कभार खा लेती हूँ इसको, इससे है ना वजन नहीं बढ़ता है। क्या ये फेरेटो रोशेस? इतना छोटा हमको भी लो ना। नहीं तुम्हारे लिए नहीं, उसके लिए लो। देखो तो ये चिकू के लिए सूजी, ये भूल गए थे पापा सूजी। चलो आइसक्रीम लेनी है। हाँ चलो, तो चिक्की की जो भी शॉपिंग करनी थी हमें वो हमने कर ली है। अभी हम चलते हैं घर पे, और जाते जाते है ना हमें पनीर की सब्जी भी लेनी है। कभी कभी है ना यार मम्मी को भी छुट्टी देनी चाहिए, तो उनको है ना रिलैक्स फील होता है, अच्छा फील होता है। सो आज हम बाहर से ही खाना लेके जाएंगे। तो पापा आपका काम अभी यहीं पे ख़त्म नहीं होता है, जाते जाते है ना हमें पनीर की सब्जी, तंदूरी रोटी, शेजवान और नूडल्स और है ना मंचूरियंस लेने हैं। नाइट में ऐसे घूमने के लिए कितना अच्छा लगता है ना। एक प्लेट पनीर। सिटी के बीचों बीच रहते थे ना, तो कुछ भी पार्सल लिया तो 2 मिनट में हम घर पहुंच जाते थे, लेकिन अभी देखो ना कम से कम 15 मिनट लगने वाले हमें घर पहुंचने के लिए। तो आ गए हम लोग घर पे। ये देखो कितना सारा सामान लाया हमने चिकू बेबी के अन्नप्राशन के लिए। मम्मी आ गए हम, किस हो गया उसके लिए हम इतनी सारी चीजें लाए थे। कल चिकीस खाना खाने वाला है। ये आपके लिए पनीर, मंचूरियन और बाद में ना नूडल्स वगैरह सब ला लिया हमने। बैठो। इतना सारा? हाँ आपने जितना बोला था उससे ज्यादा लाया है हमने। ठीक है। कितनी खुश हो गई मम्मी। जब मैं अगली बार आऊंगी ना तब मैं आपके घर पे आऊंगी आपसे मिलने के लिए। ठीक है चलेगा पंखुड़े, आप जब भी आओगे ना तो आ जाना मुझसे मिलने के लिए। सो मेरी है ना क्यूट सी फैन का फोन आया था, जब है ना आप ऐसे बोलते हो ना कि मुझे आपके वीडियो बहुत पसंद आते हैं दीदी, तो मुझे सच में दिल से बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक यू सो मच। सो ये रहा आज का स्पेशल डिनर। चलो स्टार्ट करो। मैं स्टार्ट कर रही हूँ मंचूरियन से। ये लो आप भी खाओ, किस किस को मंचूरियन पसंद है। सो आज है ना हम लोग तीनों ही बैठ के यहाँ पे खाना खा रहे हैं, क्योंकि है ना कृष्णा शाम को ही खाना खा लेता है, तो है ना कल से है ना चिकू बेबी वहाँ पे अपने वॉकर में बैठ के कुछ ना कुछ खा रहा होगा। हम है ना कल के लिए बहुत एक्साइटेड है ना मम्मी पापा। सो हो गया हमारा खाना, आज है ना एकदम मजा आया खाना खाने के लिए, एकदम स्पेशल खाना था, तो हम है ना कल के लिए बहुत एक्साइटेड है। कल है चिकू बेबी का अन्नप्राशन। और हाँ मामा मामी आपको भी इनवाइट है, आप है ना जो जो फेवरेट डिश है आपकी वो लेके आ जाओ, और चिकू बेबी को खिलाएंगे हम और देखते हैं चिकू बेबी कैसे रिएक्ट करता है ना। ये वीडियो है ना बहुत ही क्यूट होने वाला है, तो अभी मैं सो रही हूँ। बाय, गुड नाइट। फाइनली मैं खाना खाऊंगा ऐसा बोल तो रहे हैं, बट अब देखते हैं। चल रही है और मम्मी और मैं ना एकदम मस्त सज धज के रेडी होने वाले हैं। और हाँ आज है ना हम चिकू बेबी के लिए बहुत खुश है, फाइनली चिकू बेबी का अन्नप्राशन है आज, है ना मम्मी। सो आज है ना चिकू बेबी 12 बजे खाना खाने वाला है, सो हम सब लोग फैमिली मेंबर का है ना उपवास रहेगा, जब तक चिकू बेबी खाना नहीं खाता तब तक हम भी नहीं खाने वाले। सो जैसे ही चिकू बेबी का अन्नप्राशन हो जाता है उसके बाद में ही हम खाना खाएंगे। देखो चिकू बेबी ने इतने दिनों तक वेट किया, सो हम थोड़ी देर चिकू बेबी के लिए वेट नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं। सो चलो देखते हैं चिकू बच्चा उठ गया है क्या, उसको भी तो बताना पड़ेगा आज क्या है। ओए होए चिकू, देखो पता है क्या आज क्या है? हाँ पता है, आज तो मुझे खाना खिलाने वाले हो। मैं अंतर्यामी हूँ, मेरे भगवान से डायरेक्ट बात होती रहती है। चिकू बच्चे फाइनली अभी तो खाना खाएगा, ये हाथ में ना हम तेरे रोटी दे दिया करेंगे कल से, है ना? कितना खुश होगा फिर तू। आज तू क्या क्या खाएगा? आज तू मिर्ची भी खाएगा और आज तू दही भी खाएगा और आज नींबू भी चटेगा तू।
अच्छा। अगर तेको अन्न प्राशन करना है तो ये सारी चीजें तेको खाना पड़ेंगी। आज तो तेरी मजा ही आने वाली है। और पता नहीं चिकू बेबी के कैसे रिएक्शन आएंगे जब वो ऐसे खाएगा तो। मिर्ची और नींबू तो देखो खाना ही पड़ेगा। सो मैंने ना अभी सीसीटीवी में देखा कि कोई है ना नीचे कुछ रख के गया है। सो चलो मैं नीचे जाके देखती हूँ कि क्या रख के गया है। क्या हो सकता है ये गिफ्ट में? चलो इसको ऊपर चल के अनबॉक्स करते हैं। इसमें लग रही तो फ्रेम ही है, लेकिन देखते हैं अभी किसकी फ्रेम है। वाह, ये देखो। थैंक यू सो मच तेजस, और ये अक्लूत से भेजा है। ओ माय गॉड, इतनी दूर से। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वाओ, ये देखो मम्मी भी रेडी होगी। मम्मी इधर देखो, कितनी क्यूट लग रही है। और हेयर कट और हेयर कलर है ना एकदम मस्त लग रहा है मम्मी पे। देखो मेरी दादी आ गई। आज क्या आई? अन्नप्राशन है। कितना खुश हो रहा है तू दादी को देख के। इधर देख। सब मैं बताती हूँ कि अन्नप्राशन यानी कि क्या होता है, उसमें क्या क्या करते हैं। तो फर्स्टली है ना, हम चिकू को शाही स्नान कराएंगे, और फिर उसके बाद में उसके लिए नए नए डिशेस, अच्छे अच्छे डिशेस बनाएंगे, और फिर उसके बाद में उसको एक एक करके सारी डिशेस चखाएंगे। तो मैं ना जल्दी से आपको भी दिखा देती हूँ कि आज मैं क्या पहनने वाली हूँ। तो ये है ब्लू कलर की साड़ी, प्लेन साड़ी है, कुछ भी डिज़ाइन नहीं है। और ये है पिंक कलर का ब्लाउज यानी कि ऊपर का टॉप। सो देखो मैंने साड़ी पहन ली है। और हाँ, लाइफ में फर्स्ट टाइम मम्मी की हेल्प लिए बिना मैंने अपने हाथों से साड़ी पहनी है। सो बताओ कैसी लग रही हूँ मैं? मम्मी कैसी पहनी है मैंने साड़ी? अच्छी लग रही है। आज आपकी हेल्प लिए बिना मैंने अपने हाथों से साड़ी पहनी है। अभी मैं ना मेकअप कर लेती हूँ। सो बताओ कैसी लग रही है साड़ी मुझ पे? और हाँ, ये है ना मम्मी की साड़ी है। सो बताओ कैसी दिख रही हूँ मैं? क्या हो गया इसको? और अभी खाना नहीं खाने का है चिकू ते का? अभी हम सब रेडी हो गया, उसको नींद आ रही। सुनो लो देखो। चलो अब मैं नींद में से उठ गया हूँ। खाना वाना बना के नहीं, चलो मेरे लिए गर्म पानी निकालो, नहाना है मुझे, और फटाफट खाने की तैयारी करो मेरे। सो अभी है ना चिकू को निलाना है। और हाँ, अभी है ना ठंडी बज रही है, इसलिए हम बाथरूम में नहीं निलाएंगे, यहीं पे बालकनी में निलाएंगे। यहाँ पे धूप भी आ रही है। ये देखो शाही स्नान की तैयारी हो रही है। चिकू आ रही हो? एक्साइटेड? बहुत ठंडी है रे पापा, गर्मा गर्म पानी तो है ना। बहुत एक्साइटेड। सॉक्स निकालो, सॉक्स निकालो। सभी लड़कियां अपनी आंखें बंद कर लो। आप सब लोग भी आंखें बंद करो। क्या हो रहा? अच्छे से नहलाओ मुझे, मैं सिर्फ लड़कियों के हाथ से नहाऊंगा। बहुत भूख लगी है, फूल पत्ते भी चलेंगे। देखो ना मेरी पूरी साड़ी गीली हो गई। सो अभी हमें ना चिकू को छप्पन भोग खिलाने वाले हैं, अलग अलग डिशेस खिलाने वाले हैं। सो अभी हमें ना उसकी सारी अरेंजमेंट यहाँ पे हॉल में करने वाले हैं। मुझे कपड़े नहीं पहनने के, मैं ऐसे खाना खाऊंगा। अच्छा ठीक है ना पापा, ठीक है, हार फूल तो पहनेगा कम से कम। बाकी है चिकू, खाना तो जल्दी से खिला नहीं रहे, बस ये हार फूल पत्ते लगा के मुझे मोगली बना रहे। लाओ ये फूलों से ही मेरे खाने की शुरुआत करता हूँ। सो हम चिक्कू बेबी को खाना खिलाने के लिए बैठ ही रहे थे, तो ना पप्पा के साथ एकदम जबरदस्त सीन हुआ। पप्पा जैसे ही बैठे ना, अब आगे से नहीं करेंगे, ठीक है मम्मी? मेहनत मत किया करो, मेरे लिए मत लाया करो कपड़े। मैंने देख मेरे लिए कितनी अच्छी पैंट लाई है, ये क्या है ये? सबसे पहला मान है दादी का। दादी चिकू को शहद चटाएगी। अब देखो इसका रिएक्शन। हाँ। तो...
कैसा लगा? अच्छा है। अभी है नानी की बारी, चल पेड़ा खा चिक्की। अरे तुम बस लाते जाओ, अभी मैं सारा खा जाऊंगा। मैं पापा की बारी, आप पापा खिलाएंगे समोसा। ये समोसा पापा का फेवरेट समोसा, तेरा भी फेवरेट समोसा, खा। ये अभी है मामा की बारी, और मामा गुलाब जामुन चटाएगा, है ना? कैसे बैठ? अरे कोई सब्जी वब्जी खिलाओ मुझे, ये गुलाब जामुन तो बच्चों की चीज है। अभी क्या खाना है बोलो, आपको कुछ खाना है? और मुझे पता है थोड़ी देर बाद ये मुझे नींबू और मिर्ची खिलाने वाले हैं, लेकिन मैं भी बड़ा ढीठ हूँ। करेला खाना बाकी है, नींबू खाना बाकी है, फिर उसके बाद में और क्या है? गाजर। हाँ, लाओ लाओ करेला लाओ, तुमको मेरा एक्सप्रेशन चाहिए ना, लाओ मैं दिखाता करेला कैसे खाते। अभी देख करेले का टेस्ट। अरे ये करेला खाना मेरे बाएं हाथ का खेल है, तुमने समझ क्या रखा है मुझे? अरे तो करेला भी खा रहा है तो। कुछ रिएक्शन भी नहीं है, नॉर्मल। ले ले हाथ में, ले हाथ में, ले खा खा। पापा मुझे पता है आप मुझे मिर्ची खिलाने वाले हो, लेकिन मैं भी दिखाता मिर्ची कैसे खाते। हाँ ना, कितना कड़ू लगता है करेला, वो एकदम नॉर्मल खा रहा है जैसे ककड़ी खा रहा है। अभी बारी है कृष्णा की, कृष्णा उसको फेरेटो टॉर्चर खिलाएगा, खिला। अरे भैया ने आज मुझे चॉकलेट खिलाया, मैं प्रॉमिस करता हूँ भैया कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, हमेशा तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा। कैसा है चिक्की, अच्छा नहीं है? करेला चाहिए। लो देखो करेला ही चाहिए उसको, ये ले तू खा ले अभी। अच्छा एक काम कर भला, तू कर थोड़ा सा चाट भला ये। नहीं भैया को खा के दिखा करेला। अभी टमाटर की बारी। हाँ, खाने का है, ये ले खा के बता कैसा है। अरे बाप रे, तो सब खाने को बैठे वाला है। अभी अब इसको रियल खाना खिलाएंगे, चपाती और सब खाने वाला है, सब खाता है। अभी है चावल की बारी, चिकू बच्चा चावल खाएगा। चावल खाएगा। ये भी खाना है, ये भी खाना है। नींबू भी चखना है चिकू, देखो। हाँ। डेरी मिल्क खिलाएंगे। ये डेरी मिल्क चॉकलेट तो बच्चों वाली चीज है, मुझे मिर्ची खिलाओ मिर्ची। कैसा लगा चिकू? अच्छा है ना? पार्ले जी सब बच्चों का फेवरेट, पार्ले जी गोल्ड, देखेंगे तेरा फेवरेट है क्या? फेवरेट है क्या बताओ कमेंट में। ये पार्ले जी को जी बोलते हैं, इसलिए उसके रिस्पेक्ट में खड़ा हो जाने का। और देखेंगे तेरा फेवरेट है क्या नहीं पार्ले जी। लो। अरे मम्मा पापा आप मुझे जो भी खिलाओगे मैं उसको आशीर्वाद समझ के सारा खा जाऊंगा। नींबू की बारी। अभी नींबू की बारी है, रिएक्शन देखना अभी। अब अरे वहां ये भी खाने का। अच्छा और होना, ले 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 खा उसको, नींबू भी लो लो भाई। तुम जो सब सोच रहे थे ना कि उसको नींबू चटाएंगे, देखेंगे रिएक्शन, उसका कोई रिएक्शन नहीं है, खा। कुछ हो रहा है, फर्क नहीं है उसको, नींबू नींबू का कोई फर्क नहीं है उसको। अभी लास्ट में है ये मिर्ची की। अब मिर्ची खाएगा चिकू। अरे तुम सब समझ लो, मैं कोई एक्सप्रेशन नहीं देने वाला। ये कुछ भी खा सकता, ये बंदा बहुत स्ट्रांग है, कुछ भी खा सकता। उसको कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ छोड़ो भाई, छोड़ छोड़ ये नहीं, चाटो। कुछ नहीं ना, कोई फर्क नहीं पड़ा। नको पापा तीखट है, नको 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 तीखट है। हाँ ये तोड़ के नहीं हूँ पापा, नहीं। हाँ कुछ है रिएक्शन, चाहिए उसको। हाँ चाहिए उसको वो करेला, ले बस खुश। करेले से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है इसको, हमको लगेगा बहुत अच्छे अच्छे रिएक्शन देगा, लेकिन कुछ रिएक्शन ही नहीं था इसका। क्यों रे, ये सब कुछ खा सकता, इसके लिए कोई लिमिट नहीं। फाइनली देखो हमने खाना खिला दिया। चिकू बेबी का है ना अन्नप्राशन था, मुहूर्त था, तो हमने ना उसको खाना खिला दिया। अभी है ना वो कल से फ्री हो जाते हैं कुछ भी खाने के लिए।
तो हमने क्या सोचा था कि है ना, हम है ना चिको को करेला खिलाएंगे ना, तो उसका एकदम प्राइसलेस रिएक्शन आएगा, एकदम मस्त रिएक्शन आएगा। लेकिन आपने देखा ना, उसको कुछ भी रिएक्शन नहीं हुआ, अभी भी बाहर वो करेला खा रहा है। और उसके बाद में हमने सोचा था कि हम नींबू चटाएंगे तो क्या है ना, वो एकदम ऐसे अच्छा वाला रिएक्शन देगा, लेकिन उसने कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया, वो नींबू ऐसे चाट रहा था उसको। फिर बाद में हमने पप्पा ने ना उसको मिर्ची खिलाई और तोड़ के भी मिर्ची चटाई, लेकिन कुछ भी रिएक्शन नहीं था। हमको लगा कि है ना, वो मिर्ची ऐसे चाटते ही बहुत ज्यादा रोने लगेगा, तो हम उसको तुरंत शक्कर खिलाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं था, आपने देखा ना। और हाँ, कैडबरी छोड़ के है ना उसको करेला खाना था, मतलब देखो अभी आप ही। अरे रुको रुको रुको, चिकू बेबी बाहर कुछ बात कर रहे हैं, उसकी बात तो सुनो। अरे आए थे मुझे नींबू करेला और मिर्ची खिलाने वाले, लेकिन मेरी फैमिली ये नहीं जानती जिस स्कूल में वो पढ़ते हैं उस स्कूल का हेडमास्टर मैं हूँ। तो चलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आपको इस वीडियो को ढेर सारे लाइक करने ही होंगे, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाल वाला बटन क्लिक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब अगली वीडियो में आप देखोगे कि मम्मा पापा को मेरी वजह से घर चेंज करना पड़ रहा है। अब आप ही देखना आगे क्या होता है।